से होगी, फिर शहनाइयों की शुरुआत होगी। बता दें, देव शयन में होने से विवाह कार्यों पर विराम था। शहरवासियों की ओर से दीपावली के दिन में विवाह संबंधी खरीदारी और शुभ कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। 12 नवंबर के बाद 15 नवंबर को कार्तिक मास की पूर्णिमा और 18 नवंबर को सावों की धूम रहेगी। इसके लिए कई मैरिज गार्डन बुक हैं। ज्योतिष आचार्य पुरुषोत्तम गौड़ ने बताया कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिससे विवाह और अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। आइए बात करते हैं देवउठनी एकादशी पर। देवउठनी एकादशी का पर्व पर विशेष तौर पर मंदिरों में घंटे घड़ियाल की ध्वनि दिखाई देंगी। वहीं पोशाक बदलने का भी इसमें बहुत महत्व होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 माह से सहन से यहाँ देवता उठेंगे और ये देवउठनी एकादशी पर विशेष तौर पर सालग्राम भगवान और तुलसी का विवाह होता है, जिसमें स्वयं सिद्ध आभूत मुहूर्त के नाम से इसको जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से स्वयं सिद्ध आभूत मुहूर्त होने के कारण गृह प्रवेश, नीव मुहूर्त व खरीदारी को शुभ माना जाता है। 12 नवंबर से लेकर के 13 दिसंबर के मध्य लाखों शादियां होने जा रही हैं। इस दौरान खरीदारी का